हेलो गाइस आज हम बात करेंगे इंडियन मलयालम लैंग्वेज ड्रामा फ़िल्म कपिला के बारे में इस मूवी को डायरेक्ट किया है मोहम्मद मुस्तफ़ा ने रिलीज़ किया गया था 6 मार्च 2020 को इसकी एम रेटिंग है 7.7 कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह से जस्सी जस्सी एक साधारण लड़की है जो सिलाई के काम में अपनी माँ की मदद करती है जिसकी वजह से उसे शहर जाना पड़ता रहता है एक बार उसकी माँ उसे कस्टमर को कॉल करने के लिए कहती हैं वो गलती से किसी और को लग जाता है जो फ़ोन उठाता है उसका नाम है विष्णु वो ऑटो रिक्शा चलाता है मलापुरम का रहने वाला है धीरे धीरे विष्णु और जसीन में कुछ कॉल्स के बाद फ्रेंडशिप हो जाती है अब वो हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा बातें करना शुरू कर देते हैं एक दिन जस्सी के फादर अपनी छोटी लड़की को एक लड़के की साइकिल से उतरता देख लेते हैं वो उस को घर लाकर बहुत मारते हैं जैसे ये सब देखकर डर जाती है विष्णु के बारे में जब घर वालों को पता चलेगा तब कैसा रिएक्शन होगा उनके एरिया में एक शॉप ओपन होती है कपड़े की जो शॉप का मालिक है उसका नाम है बनी जब वो जस्सी को पहली बार देखता है उसके प्यार में पड़ जाता है अपनी शॉप के होर्डिंग्स में एड के लिए वो जस्सी की फ़ोटो लगाता है वो जस्सी के फादर के पास शादी का प्रपोज़ल भेजता है वो लोग स्वीकार कर लेते हैं जब बनी की माँ जैसी के घर आती हैं वो जैसी को देखती हैं और बिना कुछ खाए पिए उठ जाती हैं और बनी को बुरा भला कहना शुरू कर देती हैं वो कितने गरीब हैं तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारी शादी हम उनकी लड़की से करा देंगे ऐसा बनी की माँ कहती हैं जब जस्सी को पता चलता है कि रिश्ते की मना हो गई है जस्सी बहुत खुश होती है वो विष्णु को बताती है रिश्ते की मना हो गई है इधर बनी जस्सी से शादी करने के लिए अपने घर वालों को मनाना शुरू कर देता है यहां तक कि वो चर्च के पादरी को अपना नकली पिता बनकर चलने के लिए कहता है उसकी सभी कोशिशों के बाद अंत में जस्सी और बनी का रिश्ता तय हो जाता है फिर जस्सी विष्णु को सब बता देती है अब वो उससे मिलने के लिए बोलती है जब उसके माँ पापा अपने रिश्तेदारों को इनविटेशन देने जाते हैं वो अपनी तबीयत ठीक नहीं है का बहाना बनाकर वहीं रुक जाती है दूसरे दिन जस्सी सवेरे ही निकल पड़ती है वो बस पकड़ती है और कोजिकोड़े बस अड्डे पर पहुंच जाती है वो विष्णु को कॉल करती है पर विष्णु का कॉल नहीं लगता उसको एक आदमी घूर रहा होता है वो उसको जब बार बार परेशान करने की कोशिश करता है जैसी डर से लेडीज़ वॉशरूम में छुप जाती है वो वॉशरूम से उसको कॉल करती है पर नहीं लगता विष्णु भी बस स्टेशन पर पहुंच गया होता है जब वो जस्सी को कॉल लगा रहा होता है तभी कुछ लोग लड़ते हुए आते हैं और विष्णु का फ़ोन उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरता है जिसे एक लड़का उठाकर जाने लगता है उस चोर के पीछे से एक बंदा आता है उससे मोबाइल देने को कहता है वो चुपचाप मोबाइल उसके हाथ में पकड़ा देता है इसका नाम है रॉय रॉय एक बेरोज़गार है जो इन जॉब इंटरव्यू के लिए कन्नूर से कौजिकोड़े आया होता है वो बहुत ग़ुस्से वाला है तभी उसे जैसी की कॉल आती है जैसी उसे लेडीज़ वॉशरूम के सामने आने को कहती है रॉय विष्णु बनकर कर जैसी से मिलने जाता है और वो उसे गलती से विष्णु समझ लेती है तभी इधर विष्णु जस्सी को ढूंढता है वो उस कंडक्टर से मदद मांगता है जिसकी बस में जस्सी आई थी दोनों जस्सी को ढूंढते हैं दोनों ढूंढ लेते हैं विष्णु जस्सी को आवाज़ लगाता है वो विष्णु को पहचान लेती है रॉय पर जस्सी को शक हो जाता है तभी रॉय कहता है कि वो विष्णु नहीं है वो सिर्फ़ फ़ोन लौटाने आया था जस्सी और विष्णु शहर में घूमते हैं समय साथ बिताते हैं तभी जस्सी नोटिस करती है कि रॉय उनका पीछा कर रहा है वो विष्णु को बताती है विष्णु और रॉय के बीच पहले बातचीत होती है फिर झगड़ा शुरू हो जाता है रॉय और विष्णु का बीच बचाव करने के लिए जब जस्सी आती है रॉय उसको धक्का दे देता है जिससे वो कीचड़ में गिर जाती है विष्णु के भी कपड़े खराब हो जाते हैं तभी वहाँ पुलिस आ जाती है रॉय पुलिस को बताता है वो जॉब इंटरव्यू के लिए आया था पुलिस उसको वहां से जाने के लिए कहती है विष्णु और जस्सी नए कपड़े खरीदते हैं बदलने के लिए एक रूम किराए पर लेते हैं लॉज में इधर रॉय अपने एक दोस्त को सारी बात बता देता है रॉय और उसका दोस्त उनको बदला लेने के लिए ढूंढते हैं लॉज के रूम में विष्णु जस्सी के साथ फिजिकली होने की कोशिश करता है जस्सी उसे रोकती है कुछ देर बाद ये साफ हो जाता है कि विष्णु उस गैंग के लिए काम करता है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करती है विष्णु भी ये बात कबूल कर लेता है कि वो उसे मंगलापुरम ले जाकर बेच देता जब वो खाना लेने गया होता है तभी उसे रॉय देख लेता है वो पीछा करते हुए अपने दोस्त के साथ उस लॉज के उसी रूम में पहुंच जाता है जहां विष्णु जस्सी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है रॉय और विष्णु की फ़ाइट होती है वो जस्सी को बचाता है जस्सी ने विष्णु के डर से खुद को वॉशरूम में बंद कर लिया होता है रॉय वॉशरूम का दरवाज़ा तोड़कर उसे बाहर लाता है ये सब रॉय को विष्णु के फ़ोन पर आए कॉल से पता चलता है कि वो जस्सी के साथ क्या करने वाला है जिसकी वजह से रॉय उनका पीछा कर रहा होता है जस्सी रॉय को समुंदर दिखाने के लिए कहती है वो उसे बीच पर ले जा लेकर जाता है उसके बाद जस्सी अपने घर पहुंच जाती है विष्णु और उसकी गैंग भी पकड़ी जाती है जस्सी अब बन्नी की शॉप से ही सामान खरीदती है मूवी का यहाँ पर एंड हो जाता है मूवी में एक्टिंग जबरदस्त है फाइव में से फोर स्टार दूंगा डायरेक्शन में फाइव में से .5 फोर स्टार दूंगा स्टोरी और स्क्रीन प्ले के लिए तो फाइव में से फोर पॉइंट फाइव स्टार दूंगा ओवरऑल फाइव में से फोर पॉइंट फाइव स्टार मिलेंगे इसको मूवी आपको स्टार्टिंग से बांध कर रखेगी और इस मूवी को ज़रूर देखें फैमिली के साथ देखें अगर आपके घर में आ, 15 अबव गर्ल्स हैं तो उनको ज़रूर दिखाएँ मूवी इतनी ज़बरदस्त है इतनी ज़बरदस्त कि पूछो मत इस मूवी को ये इसकी कहानी बहुत लाजवाब है जो सबसे मेन जो इसकी वो है कहानी है और कहानी को इस तरीके से जस्टिफाई किया है डायरेक्टर ने बिल्कुल हुआ, हुआ, हुआ वैसे ही उसने दिखाने की कोशिश की है तो बहुत गजब मूवी आप ज़रूर देखें इसको